हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूँ आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे न्यूमेरिकल के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के दो सेशन में हम लोगों ने रेलवे न्यूमेरिकल का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर वन, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान है। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो बल्ब हैं, एक है 100 वाट का और दूसरा है 500 वाट का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा जब वोल्टता समान है। आप कहेंगे सर प्रतिरोध तो इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, आप लोग जो वाट पढ़ते हैं सर, ये वाट किसका यूनिट होता है? तो आप कहेंगे सर पावर का यूनिट होता है। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात, इसका मतलब ये हुआ कि सर पावर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। यहाँ से तो हमको प्रतिरोध निकल जाएगा, तो हम यहाँ से प्रतिरोध निकाल लें सर क्या, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, या आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा पी। ये प्रतिरोध हो जाएगा सर जब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो प्रतिरोध तो मेरा इतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दो बल्ब दिया हुआ है, तो सर एक बल्ब के प्रतिरोध को हम लोग आर वन मान लेते हैं और क्या कहते हैं, आर वन इक्वल टू वी स्क्वायर अब बटा पी वन कह देते हैं। और पहले बल्ब के प्रतिरोध को आर वन मान लिए और इसके पावर को भी हम लोग क्या मान लिए, पी वन मान लिए। तो यहाँ पर आर वन इक्वल टू वी स्क्वायर बटा पी वन लिख दिए। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं सर, समझने के लिए, मानना कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझने के लिए। अब दूसरा बल्ब है तो आर टू मान लेते हैं सर, चूँकि वोल्टता समान है तो मेरा वी स्क्वायर तो समान रहेगा और पी टू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं सर। अब आपको निकालना क्या है सर, प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो देखिए आर वन आपका आ गया, आर टू आ गया, ये दोनों का रेशियो ना निकाल दीजिएगा आराम से सर। तो आर वन अब बटा आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो आप कहिएगा वी स्क्वायर अब बटा पी वन अब बटा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अब बटा पी टू, यही ना हो जाएगा सर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर बटा पी वन इंटू क्या हो जाएगा सर, पी टू अब बटा वी स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर आर वन अब बटा आर टू इक्वल टू हो जाएगा पी टू अब बटा पी वन। अच्छा देखिए P2 दूसरे बल्ब का आपका शक्ति कितना है, तो आप कहेंगे सर 500 वाट। पहले बल्ब का शक्ति कितना है, आप कहेंगे सर 100 वाट। E0 और E0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 5:1 आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन टू कहा जा रहा है सर आपसे कि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है उसको ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, मतलब फेंका गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो वस्तु धरातल पर आएगा तो ऊपर जाने में और धरातल पर आने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा। एक फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। सर मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है या कोई बॉल है, इसको आप सीधे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो आप किसी न किसी वेग से फेंकेंगे, तो आप यू वेग से फेंक रहे हैं। मान लीजिए सर ये ऊपर जाता है, किसी क्षण इसकी वेग क्या हो रही होगी सर, जीरो, और ये ऊपर जाने के बाद फिर से कहाँ आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर से क्या होता है सर, धरातल पे आ जाता है। तो अंतिम वेग तो इसका यहाँ पे हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, कहीं भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहे कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है और वो फिर से धरातल पर पहुँच जाता है, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में ऊपर की ओर जाती है और पृथ्वी पर फिर से वापस आ जाती है, तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है और जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है सर, बराबर होता है। क्या कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए और वो वस्तु पुनः उसी स्थान पर आ जाए,
तब जो वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है क्या होता है, बराबर होता है। और इस स्थिति में वस्तु को ऊपर जाने और नीचे आने में लिया गया कुल समय जो होता है सर, वो होता है टी इक्वल टू टू यू बटा जी होता है। क्या होता है सर, टी इक्वल टू इसको ऊपर जाने और ऊपर से फिर नीचे आने में जो लिया गया समय होता है सर, क्या होता है, टी इक्वल टू टू यू बटा जी, जहाँ पे यू क्या है सर, तो यू प्रारंभिक वेग है। यू क्या है सर, प्रारंभिक वेग है। बस आपकी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट इतना ही है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मतलब क्या कि आपका प्रारंभिक वेग कितना है सर, 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो देखिए आपका फॉर्मूला है टी इक्वल टू टू यू बटा जी, तो हमको समय निकालना है ना सर, तो 2 इंटू प्रारंभिक वेग कितना है 9.8, अब बटा क्या हो जाएगा सर 9.8, ये और ये कट जाएगा, t इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सर कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। आप सभी कहेंगे सर वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे सर कैसे हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कि गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना सर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जा रहा है, तो मान लीजिए कि आपका जो के ई डैश है नया गतिज ऊर्जा है, कब, जब वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जा रहा है तब क्या होगा, तो हम कहेंगे सर हाफ एम, अब वेग को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3v स्क्वायर, तो के ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम और 9v स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ एम 9v स्क्वायर। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ई डैश इक्वल टू 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, जब गुना में है तो ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि के ई डैश इक्वल टू 9, ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर क्या है सर, तो आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा है, तो 9 के ई यहाँ पे लिख दिए, तो आप क्या देख रहे हैं सर, बहुत ही सिंपल था कि किसी भी वस्तु का वेग अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर, 9 गुना हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा ये सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में तभी जल्दी बनेगा जब आप एग्जाम से पहले इसको प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर कि किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान V है तो सामर्थ्य P का मान होगा F बटा V, V बटा F, F इंटू V और माइनस F स्क्वायर बाय V, क्या होगा इसका आंसर। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई एक सिस्टम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे F बल लगाया जा रहा है। कितना बल लगाया जा रहा है सर, F बल लगाया जा रहा है जिसके चलते इसमें भी वेग उत्पन्न हो जा रहा है। जब किसी वस्तु पर F बल आप लगा रहे हैं तो ये किस वेग से जा रहा है, भी वेग से जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सामर्थ्य P का मान क्या होगा, आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है। आप कहेंगे कि सर चूँकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, W बाई T होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य बटा समय कहते हैं सर, P इक्वल टू कार्य बटा समय। अच्छा ध्यान में रखिएगा आप कार्य किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं सर वस्तु पर बल लगाने के उपरांत अगर वस्तु विस्थापित हो जाती है तो साइंस के दृष्टिकोण से हम लोग कार्य कहते हैं। तो हम लोग कार्य के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, W इक्वल टू एफ एस, क्या लिखते हैं सर, W इक्वल टू एफ एस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है P इक्वल टू W बाई T, तो क्या हम यहाँ पे W के जगह एफ एस लिख सकते हैं, अब बटा T लिख सकते हैं। अच्छा ये S क्या है सर, ये S विस्थापन है, ये S क्या है सर, विस्थापन है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं सर, P इक्वल टू
एफ इंटू एस बटा टी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एस है वो आपका क्या है सर, विस्थापन। विस्थापन बटा समय को आप क्या कहते हो, वेग कहते हो सर। तो पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ एस बाई टी है तो भी हो जाएगा ये। एस बाई टी मतलब विस्थापन बटा समय, तो उसके जगह पे हमने वेग लिख दिया। क्यों? क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं सर, वेग कहते हैं। तो आपका जो सामर्थ्य है पी जो है वो क्या हो गया, पी इक्वल टू एफ इंटू वी हो गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी निकाय पर नियत बल एफ लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान वी है, तो सामर्थ्य पी का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर एफ इंटू वी होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सर कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। आपका ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस और इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। क्यों? क्योंकि आप सभी कहते हैं कि पहाड़ पर जो दाब होता है सर, कौन सा दाब पहाड़ पे, वायुमंडलीय दाब, पहाड़ पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। पहाड़ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अप्रॉक्स आपका पहाड़ पे पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि पहाड़ पे, पहाड़ छोड़ करके यहाँ पे आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं सर, ठीक है सर, कि ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके चलते पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है। अच्छा, ये क्वथनांक क्या है सर, तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, मतलब पानी जिस तापमान पर उबलना शुरू कर देती है उसी तापमान को हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। तो आपको पता है कि पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देती है, लेकिन कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देती है, तो हम लोग कहते हैं सर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि मानक वायुमंडलीय दाब, या आप कह सकते हैं कि समान वायुमंडलीय दाब पर आपका पानी क्या होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। आप लोग पृथ्वी की सतह पे पानी को गर्म करते हैं तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो सर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना लेते हैं, 1.01 × 10⁵ पास्कल। और आपको पता है कि सर ऊंचाई बढ़ने से दाब क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है, और ऊंचाई घटने से दाब क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। तो पहाड़ पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जा रहा है सर, कम हो जा रहा है, जिसके चलते पानी का क्वथनांक भी क्या हो जाता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। आपका 1 kg वाटर है, 1 kg आपका पानी है, और इसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ाना है सर, 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें आवश्यक ऊष्मा क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर आवश्यक ऊष्मा का तो फार्मूला होता है, हम लोग आवश्यक ऊष्मा को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए क्या फार्मूला पढ़ते हैं, ms डेल टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर, ms डेल टी पढ़ते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, आप कहेंगे सर m क्या है, तो m आपका द्रव्यमान है, किसका सर, पानी का, और s सर तो पानी का हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट, पानी का स्पेसिफिक हीट, और ये जो डेल टी है सर, इस डेल टी का मतलब होता है ताप में परिवर्तन, इस डेल्टी का मतलब क्या होता है, ताप में परिवर्तन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, पानी का स्पेसिफिक हीट हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, कितना लेते हैं सर, 1 लेते हैं। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए
तो 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, मतलब आपका जो पहला टेम्परेचर है उसको आप कह लीजिए T1 और जो दूसरा टेम्परेचर है उसको आप कह लीजिए T2। समझ गए होंगे, पहला को हमने क्या बोल दिया T1 और दूसरा को क्या बोल दिया सर T2। अब आपका क्या कहा जा रहा है सर, आवश्यक ऊष्मा क्या होगा सर, तो अभी जस्ट आप यहाँ पे क्या लिखें सर, Q इक्वल टू क्या होता है MS डेल टी, तो ये डेल टी ताप में परिवर्तन है, तो देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पानी कितना kg है सर, तो 1 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना लेते हैं सर 1। डेल टी ताप में परिवर्तन मतलब क्या कि T2 माइनस T1, तो यहाँ पे आप लिखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 × 1। आपका T2 कितना है सर 80 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना है सर 30 डिग्री सेल्सियस। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक एक ही है, ये आपका कितना आ जाएगा सर 50 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी पड़ेगी 50 किलो कैलोरी पड़ेगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस फॉर्मूला में आपको बस एक ही चीज़ ये समझना है डेल टी, क्योंकि ये दोनों तो आपको मास दिया हुआ रहेगा और स्पेसिफिक हीट आपको मालूम ही है पानी का कितना होता है 1 लेते हैं हम लोग, तो ये जो डेल टी है ना ये ताप में परिवर्तन है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि फलना डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर चिलना डिग्री सेल्सियस तक करा जाता है, तो जो पहले है आप उसको T1 मानेंगे, जो बाद में है उसको आप क्या मानेंगे T2 मानेंगे। और इस डेल टी का मतलब ही होता है सर ऐसे, तो इसका मतलब होता है ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन कैसे होगा, तो दूसरा ताप माइनस पहला ताप यह ना होगा। तो बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बाकी इस टाइप के प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 7 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे सर इसका आंसर तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, तो ध्यान रखिए कि जब हम लोग कहते हैं कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से किसी एंगल पे झुका हुआ हो, मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण आपका एक थीटा एंगल पे झुका हुआ है, इसके बीच में बनने वाली कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हैं सर एन इक्वल टू होता है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। यही ना होता है आपका फॉर्मूला, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा एंगल पे या किसी कोण पे झुका हुआ हो। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पण हैं, तो इसके बीच में रखे जाने वाले वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। जब आपको समांतर क्या ही दे रहा है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप जानते हैं कि n इक्वल टू होता है 360 डिग्री अब बटा थीटा माइनस 1, तो क्या हम n इक्वल टू 360 डिग्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एंगल ना बन रहा है, तो 360 डिग्री बटा 0 - 1 कर दें। आपको मालूम है कि 360 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो सीधे हो जाएगा सर n इक्वल टू इन्फिनाइट माइनस 1। इन्फिनाइट में से आप किसी को घटा ही लीजिएगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट ही ना होगा सर, एकरे ना हम लोग अनंत कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी डिजिट को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू आता है नहीं, हम लोग क्या कहते हैं सर इन्फिनाइट हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र एक कंसेप्ट यहाँ पे कि जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे झुका हुआ हो तो उसके बीच में बनने वाला कुल प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 होगा। लेकिन अगर आपके 2 समतल दर्पण लीजिए कि 90 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है तो इसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आप कहिएगा सर 360 डिग्री अब बटा 90 - 1, तो 9 चौका 36, तो हो गया सर 4 - 1, 3 प्रतिबिंब बन रहा है। अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ क्या हो सर 60 डिग्री पे है तो कुल प्रतिबिंब कितना होगा, तो आप कहिएगा n इक्वल टू 360 डिग्री बटा 60 या माइनस 1, तो ये कितना हो गया 6 - 36, 6 - 1 = 5। आप कुछ अंतर देख रहे हैं सर, यहाँ पे 90 डिग्री था तो इमेज कितना बन रहा था 3, यहाँ पे 60 डिग्री है तो इमेज कितना बन रहा है सर 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ कम एंगल पे झुका हुआ हो तो उसके बीच में बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है सर ज़्यादा होती है,
और अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किसी बड़ा एंगल पे झुका हुआ तो उसके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है सर? कम होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एंगल बढ़ेगा दो समतल दर्पण के बीच में, अगर एंगल बढ़ेगा तो प्रतिबिंबों की संख्या घटेगी, और दो समतल दर्पण के बीच में अगर एंगल क्या होगा घटेगा तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। बस मेरा मकसद यही था इस चीज़ को यहाँ पे लिखने का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा सवाल है। पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो निष्क्रिय विलयन दिया हुआ है इसका मतलब आप समझेंगे उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 7 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर पीएच स्केल के बीच में जो 7 अंकित रहता है ये किसी भी विलयन के उदासीन वैल्यू को इंडिकेट करता है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। अगर 7 से आपको कम मिले, मतलब क्या कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से मिले तो 7 से कम होगा मतलब अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा सर? एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज़्यादा होगा मतलब क्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो 15 मत जाइएगा। तो 7 से जितना ज़्यादा होगा सर आपका विलयन क्या होगा? उतना क्षारीय होगा। अगर 14 हो जाए सर तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर पीएच वैल्यू 1 हो जाए तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि पीएच स्केल में आपका जो मिड पॉइंट 7 है ये उदासीन विलयन को शो करता है, 7 से कम अम्लीय विलयन को शो करेगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय विलयन को शो करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई विलयन है जिसमें 320 ग्राम क्या है सर? पानी है और 36 ग्राम लवण है, सॉल्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे निकालते हो? तो आप कहते हो सर द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हम लोग कहते हैं विलेय बटा कुल विलयन, विलेय बटा कुल विलयन गुना 100। अच्छा, इसको हम हिंदी में लिखें, आप लोग अंग्रेजी में भी कह सकते हैं सर कि मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। आप ये कह सकते हैं। कहेंगे सर कुल विलयन कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए कि आपका जो कुल विलयन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपके विलयन में जो विलेय और विलायक होगा दोनों का योग होगा। तो विलायक आपका 320 ग्राम पानी है सर, 36 ग्राम लवण है, तो जब दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा सर? 356 ग्राम हो जाएगा। मतलब आपका कुल विलयन कितना है? 356 ग्राम। विलेय कितना है सर? तो 36 ग्राम लवण है। आप कहेंगे सर आप कैसे समझे 36 ग्राम लवण है यही विलेय होगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि किसी भी विलयन में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो विलायक होता है और जो कम अमाउंट में रहता है वो विलेय होता है। तो आपका विलेय सर कितना अमाउंट में है? तो 36 ग्राम है सर। विलेय कितना है? 36 ग्राम। अभी जस्ट आपने देखा कि फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, तो विलेय बटा कुल विलयन गुना 100, तो भैया क्या हो जाएगा? तो 36 बटा 356 गुना 100, यही ना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 दुना 36 हो जाएगा और 178, 8 दुना 16, 7 दुना 14, 1 15, 1 दुना 2, 1 3, हाँ ठीक है, 178 दुना कितना हो जाएगा? 356। ये कटेगा सर तो 29 जा 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 28 जा 16 और ये 89 हो जाएगा। तो सर ये हो गया आपका 9/89 गुना 100, या आप इसको 900/89 कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना आएगा 900/89, मतलब 900 को जब आप 89 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 10.11 के समथिंग आएगा।
तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बिलियन का जब भी हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो सीधे कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। मतलब ये हुआ कि विलय बटा कुल बिलियन गुना 100, बस वही किए हैं, कोई और ज़्यादा इसमें लाग लपेटा तो कुछ है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप कितना कहेंगे सर? आप सभी कहेंगे कि सर CO2 के 44 ग्राम में 6.022 × 10³ अणु होंगे। कितना अणु होगा सर? 6.022 × 10³ अणु होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे क्यों हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि सर एक मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? एक मोल CO2 का द्रव्यमान, तो आप कहेंगे सर एक मोल CO2 का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो आप कहते हैं सर कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो 16 × 32 तो 44 ग्राम हो गया। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है सर? 44 ग्राम होता है। अच्छा, हम आपसे ये अगर पूछ दें कि सर एक मोल CO2 में कितने अणु सर? तो आप कहेंगे 6.022 × 10³, क्योंकि किसी तत्व या यौगिक में या फिर किसी आयन में टोटल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो कहते हैं सर 6.022 × 10³। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एन से, या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि सर एक मोल CO2 का द्रव्यमान होता है 44 ग्राम और आप कह रहे हो कि एक मोल CO2 में इतना अणु होंगे। तो एक मोल CO2 में इतना अणु होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सर 44 ग्राम CO2 में कितना अणु होगा? तो 6.022 × 10³। मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि आपके क्वेश्चन में सीधे 44 ग्राम दिया हुआ था और आपसे पूछा जा रहा था कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होगी, इसलिए मैंने सीधे आंसर टिक किया किसको सर? 6.022 × 10³ को। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चीज़ को समझ पाए होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं NTPC और ग्रुप डी के जो कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप कम्प्लीटली रूप से सॉल्व करना, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं योर क्लासेस ऐप पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में इनरोल होना, तो कोर्स में इनरोल कैसे होंगे, तो आगे के वीडियो में आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे आप आलोक सर का साइंस वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आप क्लिक करते ही सर्च बार में लिखेंगे YOURCLASSES, यानी कि योर क्लासेस, और सर्च कर देंगे। योर क्लासेस सर्च करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे योर क्लासेस एप्लीकेशन खुल चुका है। ऊपर हरा बटन दिख रहा है आपको इंस्टॉल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ये ऑटोमेटिक ओपन का बटन यहाँ पे बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है और ये बटन यहाँ पे हरे कलर का ओपन का बटन यहाँ पे बन के आ गया है, तो इसको आपको प्रेस करना है। ओपन करते ही एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन खुल चुका है योर क्लासेस का, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन खुलते ही सबसे पहले ऊपर आपको दाहिने तरफ हरे कलर से साइन इन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। साइन इन क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक कंटिन्यू विद गूगल, एक कंटिन्यू विद फेसबुक। फेसबुक वाले ऑप्शन को आपको हटा देना है, आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने IDs खुल जाएंगी, आप इसमें से ID सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन ये हो चुका है। सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे ऊपर आपको रिफ्रेश बटन दिख रहा होगा ये सर्कल सा,
इस रिफ्रेश बटन को आप दबा देंगे तो जितना भी लेटेस्ट कोर्स होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहला कोर्स ही आपको ग्रुप डी साइंस के क्वेश्चंस का दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और ये सीधा आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन लेके आ जाएगा। अब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पे सिक्योरली करके आ गया है। ये कोर्स 149 रुपए का है। पे सिक्योरली पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ चुके हैं। जो भी आपका मोड है पेमेंट का, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।